इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि टीचर होती है। वो बच्चों को बताती हैं कि हमारी दुनिया जैसे अभी है वैसे पहले बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहुत वक्त पहले अर्थ के लोग एक अजीब बीमारी से मर रहे थे, जिस वजह से एक साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि वो इस बीमारी का इलाज जल्द ही खोज लेगा। लेकिन जब उसे इस बीमारी का इलाज नहीं मिला तो वो उस डिवाइस को पास्ट में भेजकर लोगों से हेल्प मांगने का डिसाइड करता है। अपने इसी प्लान के साथ वो साइंटिस्ट उस डिवाइस को बना लेता है और बाद में वो उसे टेलीपोर्ट करके पास्ट में भेज देता है। सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें नोवा, एमा और साथ में उनकी मॉम होते हैं। नोवा अपने डैड से काफी नाराज होता है क्योंकि हर बार की तरह वो आज भी डिनर के लिए लेट थे, जबकि आज उन्होंने नोवा से जल्दी घर आने का प्रॉमिस भी किया होता है। बाद में जब डैड घर पर आते हैं तो वो नोवा को मनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो पूरी फैमिली के साथ बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे ये सब लोग आइलैंड पर आ जाते हैं। बाद में बच्चे अपने कॉस्ट्यूम बदलकर बाहर आकर खेलने लगते हैं। वाटर में ये दोनों भाई बहन काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी पल पानी में उन्हें एक बॉक्स नजर आता है जिसकी बनावट काफी अजीब होती है। असल में ये वही बॉक्स होता है जिसे उस साइंटिस्ट ने फ्यूचर से पास्ट में टेलीपोर्ट किया होता है। उस बॉक्स में नोवा को एक ग्लास मिलता है जो कि आम ग्लास के कंपैरिजन में काफी अलग दिखता था। बाद में ये उस बॉक्स को और उस डिवाइस को घर पर लेकर आ जाते हैं। नोवा जब उस डिवाइस को देख रहा होता है तभी उसी पल वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो नोवा के हाथ से डिवाइस को ले लेती है। लेकिन मॉम के ग्लास को हाथ में लेते ही उस ग्लास का कलर अचानक से बदल जाता है और जब वो ग्लास वापस नोवा के हाथ पर आता है तो वो वापस से ग्रीन हो जाता है। नाइट में हम एमा को देखते हैं जो कि वापस से उस बॉक्स के पास जाती है और वो उसे दोबारा से ओपन करती है। इस बार एमा को उस बॉक्स में कुछ अजीब सी चीजें मिलती है, जैसे कि कुछ स्टोन्स, ब्लू जेली और एक रैबिट मिलते हैं। उस रैबिट का नाम मिम्जी होता है। मिम्जी रैबिट सिर्फ एमा से ही बात किया करता था और साथ ही वो एमा को पहले से ही होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में सब कुछ बता देता था। खैर, एमा उन स्टोन्स को जैसे ही टच करती हैं तो वो सारे स्टोन्स खुद ब खुद ही घूमने लगते हैं। उन स्टोन्स के घूमने से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पोर्टल को देखकर उन दोनों ही लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सारे ही स्टोन्स इस तरह से किस वजह से घूम रहे हैं। उसी दौरान एमा उस पोर्टल में अपनी फिंगर्स डाल देती है। ये देखकर नोवा जल्दी से अपनी बहन का हाथ उस पोर्टल से अलग करता है और वो उसे बताता है कि तुम ऐसा दोबारा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये सारे डिवाइसेस हमारे लिए खतरा हैं या नहीं। इधर हम नोवा के टीचर को देखते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि उन्हें कुछ दिनों से काफी अजीब ख्वाब आ रहे हैं और एक बार नहीं बल्कि बार बार वही ख्वाब मेरे जहन में दोबारा से आ रहे हैं। बार बार उन अजीब ड्रीम्स का आना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इधर हम नोवा और एमा को देखते हैं जो कि बाहर अपने टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं। एमा के हाथ में जो मिम्जी टॉय होता है वो एमा को वहाँ पड़े एक डिवाइस को उठाने को कहता है। एमा ऐसे ही करती है लेकिन वो डिवाइस वो अपने भाई को दे देती है। जब नोवा उसे अपने ईयर्स पर रखता है तो उसके साथ एक अजीब चीज होती है। नोवा की जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो आम ह्यूमन के मुकाबले काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स के चलने तक की आवाज सुनाई देने लगी थी। नेक्स्ट डे हम नोवा को देखते हैं जिसके हाथ में वही अजीब सा ग्लास होता है। उसी पल उस ग्लास में मूवमेंट होने लगती है जिसके चलते नोवा के अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं और वो किसी भी चीज को बिना टच किए दूसरी प्लेस पर टेलीपोर्ट कर सकता था। नोवा अपने अंदर इस पावर को महसूस करके काफी खुश हो जाता है। बाद में वो इस एबिलिटी के बारे में अपनी बहन को बताता है
जिस पर उसकी बहन उसे ये बताती हैं कि उसे पहले से ही इस बारे में पता था, क्योंकि इन सब के बारे में मिमजी ने उसे पहले से ही बता दिया था। एमा उसे बताती है कि मिमजी ने उससे कहा है कि जल्द ही डैड घर पर आने वाले हैं, और शॉकिंगली अगले पल ही बच्चों के डैड घर पर आ जाते हैं। बाद में डैड और नोवा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन नोवा उससे पहले उस ग्लास को देखता है और बाद में वो गोल्फ खेलने जाता है। नोवा उस बॉल को इतनी तेज से हिट करता है कि वो बॉल हवा में ही टेलीपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे हम नोवा को देखते हैं जो कि स्कूल में बाकी बच्चों के साथ क्लासरूम में ड्राइंग बना रहा होता है। बाद में जब बेल बजती है तो वो बाकी बच्चों की तरह वहीं पर ड्राइंग छोड़कर चला जाता है। जब टीचर उस ड्राइंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नोवा ने जिस ड्राइंग को बनाया होता है वो ड्राइंग टीचर के ख्वाब में अक्सर आया करती थी। बाद में टीचर नोवा के पास जाते हैं और वो उससे इस ड्राइंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुमने इसे कहाँ देखा है और तुमने कैसे इस ड्राइंग को बनाया। जिस बात पर नोवा अपने टीचर को बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उसके माइंड में ये बस ड्राइंग आ गई और बाद में उसने पेपर में इस पिक्चर को ड्रॉ कर दिया। बाद में टीचर घर पर आ जाते हैं और वो उस अजीब से दिखने वाले ड्राइंग के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। एक बार जब नोवा स्कूल में होता है तो वो वहाँ अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता रहा होता है। पहले तो वो नॉर्मल बातें करता है, लेकिन बाद में वो लोगों को ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर टीचर भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में ये बातें पता नहीं होती हैं। टीचर नोवा के पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बेटा काफी इंटेलिजेंट है, और साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि नोवा ने इतने अच्छे से इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताया है कि अब उसे प्राइज भी दिया जाएगा। इधर घर पर हम एमा की बेबी सिटर को देखते हैं। एमा उन स्टोन्स को मूव करके अपनी बेबी सिटर को दिखाती हैं। बेबी सिटर उन स्टोन्स को हवा में देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाती हैं। नाइट में नोवा उस ग्लास को ब्लू जेली के अंदर डाल देता है, जिसके चलते उसमें काफी तेज मूवमेंट होने लगती हैं, और साथ ही वो अपने अंदर से इतना तेज वाइब्रेशन निकालती हैं, जिसकी वजह से पूरे सिटी की लाइट चली जाती हैं। इस बारे में जब FBI ऑफिसर्स को पता लगता है तो वो इसके बारे में जांच करने लगते हैं कि पूरे सिटी की लाइट अचानक से कैसे चली गई। इधर नोवा अपनी बहन को बताता है कि हमें इन सारे ही डिवाइसेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे इन सब में से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। इन डिवाइसेस की वजह से पूरे सिटी की लाइट चली गई, और हो सकता है कि अगर हमने इनसे दूरी न बनाई तो ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस अजीब से टॉय यानी मिमजी को भी अपने से दूर कर दो। लेकिन एमा नोवा की कोई भी बात नहीं मानती है और वो मिमजी को अपने से दूर करने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे नोवा अपनी बहन एमा को बताता है कि उसने रात में काफी अजीब ख्वाब देखा है। उस ख्वाब में वो हवा में उड़ रहा था। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नोवा के टीचर्स आ जाते हैं और वो उसकी मॉम को बताते हैं कि नोवा ने स्कूल में बाकी बच्चों के साथ मिलकर ड्राइंग बनाई थी। नोवा ने जिस ड्राइंग को बनाया था वो ड्राइंग काफी अजीब और मिस्टीरियस थी। ये सुनकर उन बच्चों की मॉम भी काफी शॉक हो जाती है। बाद में जब ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब फादर एमा से शुगर पास करने को कहते हैं, लेकिन एमा अपनी पावर का यूज करके शुगर को उनकी प्लेट पर डाल देती हैं। ये देखकर उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इसीलिए वो नोवा के टीचर से इस बारे में बात करते हैं। उसी पल नोवा भागकर आता है और वो अपने पेरेंट्स को एमा के रूम में ले जाता है। वहाँ पर हम एमा को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर मॉम काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो सारे ही टॉयज को डस्टबिन में फेंक देती हैं। लेकिन नाइट में नोवा दोबारा से उन सब टॉयज को ले आता है। नेक्स्ट डे जब ये सब घर पर होते हैं
उसी पल वहाँ FBI ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। एमा उन ऑफिसर्स को सारे टॉयस और मिम्जी के बारे में बताती हैं। जब वो मिम्जी को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मिम्जी के अंदर एक चिप है जो कि इतनी एडवांस है कि उसे आज के टाइम में बनाना पॉसिबल है ही नहीं। जब वो इसके बारे में एमा से पूछते हैं तो एमा उन्हें बताती है कि मिम्जी असल में फ्यूचर से आया है, क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं और अगर कुछ न किया गया तो जल्द ही सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से साइंटिस्ट ने मिम्जी को बनाकर पास्ट में टेलीपोर्ट किया है ताकि वो लोग पास्ट में मौजूद लोगों से हेल्प मांग सकें। ये सुनकर ऑफिसर्स को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में एमा अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे अब मिम्जी और बाकी सामान को फ्यूचर में टेलीपोर्ट करना चाहते थे। बाद में एमा एक पोर्टल बनाती हैं और वो उसमें मिम्जी को रख देती हैं, जिसके बाद मिम्जी फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देखकर वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। बाद में वो एमा के टीयर्स से मेडिसिन बनाते हैं जिससे उन्हें उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जिनकी कहानी पूरी होने के बाद बच्चे हवा में उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।